नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको क्लीम बीज मंत्र के वो लाभ बताने जा रहा हूँ जो कि काफी लोग उससे अनभिज्ञ है और कई लोगों को इसके जो चमत्कारिक लाभ है वो जान करके हैरान रह जाएंगे कि इससे क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं। देखिए, क्लीम बीज मंत्र के अंदर क शब्द यानी कि श्री कृष्ण, ल यानी दिव्य तेज, ई यानी कि योगेश्वर और बिंदु यानी कि दुख हरण है। इस बीज का अर्थ है योगेश्वर श्री कृष्ण मेरे दुख दूर करे और मुझे सम्मोहन शक्ति प्रदान करे। यह मंत्र साक्षात भगवान वासुदेव को प्रसन्न करने के लिए है और इससे व्यक्ति को अखंड सौभाग्य भी मिलता है, यहाँ तक कि वह बैकुंठ में भी निवास कर सकता है और इससे रातों रात चमत्कार भी प्राप्त होते हैं। यानी कि जिस दिन से व्यक्ति जो साधक होता है वह क्लीम बीज मंत्र का जप करता है, चाहे पुरुष है चाहे महिला है, तो उसी रात से ही इस मंत्र के चमत्कारी प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि चाहे व्यक्ति विद्यार्थी हो, चाहे कोई गृहिणी हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, सभी के लिए बीज मंत्र बड़ा ही चमत्कारिक लाभ प्रदान कर देने वाला माना जाता है और अपनी समस्त समस्याओं के निवारण हेतु इस बीज मंत्र को अवश्य हमें सिद्ध कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जीवन में बहुत अत्यंत उपयुक्त उपयोग में आने वाली बीज मंत्र है। और यह सिद्धि यानी कि इस बीज मंत्र की सिद्धि के पश्चात जो सिद्धि व्यक्ति को हासिल होती है वो जीवन के अनेक क्षणों में उस व्यक्ति का साथ निभाती है और व्यक्ति उससे हर प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकता है, इसमें संदेह नहीं है। जो लोग किसी कारणवश से मंत्रों का जप नहीं कर पाते हैं क्योंकि कई मंत्र बड़े होते हैं, तो उन्हें अवश्य ही बीज मंत्र को सिद्ध कर लेना चाहिए, क्योंकि बीज मंत्र एकाक्षरी होता है और इसे जप करने में बड़ी आसानी होती है और कम समय में अधिक मंत्रों का जप किया जा सकता है। मान लीजिए अगर व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करेगा तो कम से कम 10-11 माला बिना कोई फायदा होता नहीं है और इसमें लगभग 1.5-2 घंटे उस व्यक्ति को लग जाते हैं जो कि नया नया साधक होता है। मगर बीज मंत्र ऐसा है जिसमें कि कम समय के अंदर यानी कि अल्प समय में ज़्यादा लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है। यानी कि कम समय के अंदर ये बीज मंत्र जो एकाक्षरी मंत्र होता है वह अधिक से अधिक यानी कि हजार के संख्या में जपा जा सकता है, हजारों की लाखों की संख्या में जपा जा सकता है और मात्र 10-11 दिन में इस बीज मंत्र से सिद्धि हासिल की जा सकती है। और विशेष रूप से बीज मंत्रों के जप के लिए कोई विशेष विधि और विधान की पालना करनी आवश्यक नहीं होती है, अपितु मात्र सच्चे मन और श्रद्धा के साथ में भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास करते हुए हमें इस बीज मंत्र का जप करना चाहिए। इसके साथ में और किसी शब्द का उपयोग ना करते हुए मात्र इसी एकाक्षरी बीज मंत्र क्लीम का आप जप करते रहें और नियत स्थान, पवित्र वातावरण, शांत वातावरण और सात्विक आहार, ये सबसे उपयुक्त माना जाता है। यानी कि अगर व्यक्ति के जीवन में कोई सात्विक आहार नहीं होगा और सात्विक विचार अगर उसके मन में नहीं होंगे तो बीज मंत्र को बिल्कुल भी वह सिद्ध नहीं कर पाएगा। इसलिए चाहिए कि जिस स्थान पर व्यक्ति जप कर रहा है वो स्थान पूर्ण रूप से सात्विक हो और शांत वातावरण के अंदर ही बीज मंत्रों का जप करना चाहिए और विशेष रूप से रात्रि काल में मंत्र जप करने पर सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। इसीलिए अवश्य ही व्यक्ति को चाहिए, साधक को चाहिए कि वह रात्रि काल में ही अल्प भोजन करके उसके पश्चात ही वह साधना काल में बैठे। यानी कि 10 बजे से लेकर के रात के 1 बजे के पूर्व तक आप किसी भी समय इस बीज मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। जितना अर्धरात्रि में इस बीज मंत्र का जप होगा उतना ही जल्दी यह सिद्धि प्रदान कर देने वाला मंत्र साबित होगा। देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में बंसी बट पर बैठ करके जब बंसुरी बजाते थे तो क्लीम बीज मंत्र से संपूर्णित करके जब वो बंसी बजाते थे तो दूर दूर कोसों दूर तक की गौएं, हर प्रकार के जानवर, हिंसक पशु भी उनके पास आकर के नतमस्तक हो जाते थे और सभी ग्वाले, सभी जो ग्रामीण लोग होते थे वो सभी दूर दूर से उनकी बंसी सुनने आते थे और मंत्र मुग्ध हो जाते थे। तो ये संदेश है, ये इसी प्रकार का उन्होंने संदेश दिया है कि क्लीम बीज मंत्र बड़ा ही ताकतवर और शक्तिशाली बीज मंत्र है, क्योंकि आज के समय में व्यक्ति नाना प्रकार के परेशानियों से संतप्त है, वो शत्रुओं से परेशान है, शत्रु बाधाओं से संतप्त है और हर प्रकार के, चाहे विद्यार्थी है तो इंटरव्यू देने के लिए अगर व्यक्ति जाता है तो जब तक अगर उसके ये बीज मंत्र सिद्ध नहीं होगा तो वह किसको प्रभावित कर पाएगा। मान लीजिए 4 लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं और आप पूर्ण रूप से पढ़ाई करके और तैयारी करके जाए हैं, मगर आप जब व्यक्ति उनके सामने जाता है
जब व्यक्ति स्टेज पर होता है तो व्यक्ति घबरा जाता है और उसमें आदि शक्ति उसकी क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है। मगर इस बीज मंत्र को अगर आपने सिद्ध कर लिया और चार लोग, तो क्या आप 40,000 लोगों के सामने भी अगर जाएंगे, आप उनको मंत्र मुग्ध कर देंगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसने 1,25,000 की संख्या में क्लीम बीज मंत्र को सिद्ध कर दिया है, वो अगर किसी सभा में जाता है तो सारी सभा को वो सम्मोहन पाठ में बांध सकता है। ऐसी अपूर्व शक्ति उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो कि सभी को सम्मोहन पाठ में बांध देने की ताकत रखता है। इसीलिए यह सात्विक बीज मंत्र भी है और साक्षात भगवान का दिया हुआ बीज मंत्र है, इसलिए अवश्य ही इस बीज मंत्र को हर व्यक्ति को सिद्ध करना चाहिए। और किसी भी शुक्रवार को या पूर्णमासी की रात से इस बीज मंत्र का जप किया जा सकता है और जप नियत स्थान में, नियत समय में और नियत संख्या में जप करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने 11 माला या 21 माला से आरंभ किया है या आपने 51 माला से आरंभ किया है, क्योंकि माला साथ रखना जरूरी होता है। माला अपने गुरु से सिद्ध करवा के प्राप्त करें, अन्यथा तुलसी की माला उपयोग में ली जा सकती है। तुलसी या स्फटिक की माला से इस बीज मंत्र को जल्दी सिद्ध किया जा सकता है। तो इसीलिए अगर आप 11, 21, 51 या 100 इन संख्याओं के अंदर माला का जप करें, मंत्र जप करें और उसी संख्या में नित्य जप करें। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने 21 माला कर ली, अगले दिन आपने 11 ही की और उसके अगले दिन आपको आलस्य आ गया, आपने प्रमाद बस 5 माला ही करी, तो इस प्रकार से पीछे किया हुआ सारा जब बेकार चला जाता है। इसलिए अवश्य चाहिए व्यक्ति को कि वह नियत संख्या में मंत्र का जप करे, जितना पहले किया है उतना ही करे, क्योंकि मंत्र जप को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि मंत्र जप की संख्या को बढ़ाया जा सकता है मगर घटाया नहीं जा सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रख करके अगर जो व्यक्ति 1,25,000 की संख्या में इस बीज मंत्र को सिद्ध कर लेता है, अवश्य ही वह किसी को भी सम्मोहित कर सकता है, वह किसी को रूठे हुए को मना सकता है, हर प्रकार की उसमें काबिलियत होती है और अपनी इस काबिलियत के दम पर व्यक्ति वो संसार को जीत सकता है। इसलिए अवश्य ही इस बीज मंत्र को सिद्ध करना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे कि व्यक्ति अपने पास में एक आसन रखे जो कि ऊन का हो, यानी या फिर ऊन का या डाब का आसन जो कि होता है, मूंज का आसन जिसे कहा जाता है, उसका उपयोग किया जा सकता है। और लाल, पीला या सफेद, इन तीन रंगों का ही वो आसन होना चाहिए और आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। और दूसरी सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि कई लोग मंत्र जप करते हैं मगर वह एकमात्र टाइम पास करने के हिसाब से मंत्र जप करते हैं, तो उनको फायदा बिल्कुल भी नहीं मिलता है, क्योंकि जितने भक्ति भाव नहीं होगा तो मंत्र सिद्ध होगा ही नहीं। इसलिए चाहिए, देखिए अग्नि साक्षात एक सबूत होता है, आपकी साधना का प्रतीक होता है। अग्नि यानी कि यज्ञ की अग्नि हो, चाहे एक दीपक की मात्र अग्नि क्यों ना हो, वह देवताओं को आकर्षित कर सकती है, उसके बिना आपकी आवाज वहां तक जाएगी नहीं। इसलिए चाहिए शुद्ध घी का दीपक आप अवश्य ही प्रज्वलित रखें, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे फलाना हो, चाहे ढींगणा हो, कोई भी हो, ये चाहिए है कि शुद्ध देसी घी का दीपक अवश्य आपके सामने प्रज्वलित रहे और आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ अवश्य होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा में देवताओं का वास माना गया है। इसीलिए आपको चाहिए कि आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप मंत्र जप करेंगे तो अवश्य आप देवी देवताओं को शीघ्र आकर्षित कर सकते हैं। और जितना ज्यादा जैसे जैसे आपका जप प्रगाढ़ होता जाएगा, वैसे ही शक्तियां तरंगों के माध्यम से आपका जो मंत्र जप है वो उन तरंगों के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचेगा और वापस से वो तरंगे परावर्तित होकर के उन शक्तियों को साथ लेकर के आपके पास आएंगे और आपको वो शक्तियां मिलेंगी। इसलिए अवश्य ही इस बीज मंत्र को धीरे धीरे करके और इनकी संख्या बढ़ाते बढ़ाते जप करना चाहिए और 1,25,000 का लक्ष्य अवश्य ही हासिल कर लेना चाहिए, क्योंकि 1,25,000 का संख्या में अगर आप जप करके इस मंत्र को सिद्ध कर लेंगे तो आपको कई प्रकार के अभीष्ट स्थितियां प्रदान कर देगा। और ये 1,25,000 बीज मंत्र का जो मैंने आपको जब बताया है तो ये पूरा इसका विधि विधान है, और इसके अलावा इसका विधान करोड़ों का भी है, तो करोड़ की संख्या में मंत्र जप करने का क्या लाभ होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। धन्यवाद।